ताज़ा खबर आपको दें, वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के दो अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जीएन न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज, खबर क्या है, वजह क्या है? अयाज, अगर हमारी आवाज़ सुन सकते हैं तो मैं बताइएगा, चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी की इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक खबर क्या है? हम कोशिश करेंगे कि उनसे राबिता करें। ताज़ा खबर हमें मौसूल हुई है कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली है। इसकी वजह क्या बनी है जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज बताइएगा, क्यों ली गई है सिक्योरिटी वापस? देखिए जी, जब हमने रब्ता किया है, हमारी वजारत दाखिला में एक जराये से बात हुई, उनका ये कहना है कि काबीना ने ये फैसला किया था कि वजीर आजम के फैसले के मुताबिक तमाम लोगों से वी आई पी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। ये जो चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी से सिक्योरिटी ली है, ये भी उसी फैसले की कड़ी है, उसी फैसले की रोशनी में उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जिस पर फौरी तौर पर जो सेक्रेटरी सेनेट है उन्होंने वजारत दाखिला से रब्ता किया है और उनको अपने तहफात से आगाह किया है। उनका ये मौकफ है कि ये दूसरा आईनी बड़ा ओहदा है पाकिस्तान का, और इनसे वापस सिक्योरिटी लेना जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ये भी उन्होंने मौका अख्तियार किया कि उनको ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लिहाजा सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के दो एहलकार जो हैं वो उनको दिए गए, बाकी तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और किस किस की सिक्योरिटी वापस ली जाती है इस फैसले के तहत, आने वाले दिनों में देखेंगे इस बारे में।